हेलो नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बताते चले, प्रसाद हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग का शुभारंभ। जी हां, वाराणसी पांडेपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग का शुभारंभ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कैलाश प्रसाद ने किया है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि बाल रोग विशेष डॉक्टर नेहा जायसवाल अब नियमित रूप से मरीजों को देखेंगी। 50 बेड के अस्पताल में ENT मेडिसिन, चर्म रोगी, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, दंत रोग, ICU की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है यहाँ पर। साथ ही आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। एवं अभी मिल रही जानकारी में इतना ही। आगे की जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अरे ठीक है। मैं डॉक्टर विजय जायसवाल, मैं प्रसाद हॉस्पिटल में एज ENT सर्जन हूँ। यहाँ पे ENT से रिलेटेड सारी सुविधाएं उपलब्ध है। नाक कान गले के बहुत सारे मरीज यहाँ पे आते हैं, तो नाक कान गले का जो भी ऑपरेशन है या दवाइयों से है, यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के टाइप भी हैं। आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। आयुष्मान कार्ड से जिन मरीजों को प्रॉब्लम होती है उनसे भी इलाज होता है। आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है नए सत्र में, क्या कहेंगे इसको लेकर? हॉस्पिटल में हम लोग की नई हॉस्पिटल तो पुराना है, हॉस्पिटल में एक नई ब्रांच आ रही है। एक नई डॉक्टर आई है, डॉक्टर नेहा जायसवाल, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो अब बाल रोग की OPD भी प्रसाद हॉस्पिटल में शुरू हो रही है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? जी, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आए और आयुष्मान भारत की जो मोदी जी ने दे रखा आयुष्मान भारत में, उसकी सुविधा का लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में कई ऐसे हॉस्पिटल खुले हैं, बगल में जैन हॉस्पिटल है और भी बच्चों के, क्या बेहतर, क्या चीज़ यहाँ अच्छा है कि जो मरीज यहाँ पर आए, क्या सुविधा? डॉक्टर्स अच्छे हैं और बाल रोग से रिलेटेड सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे नियोनेट्स को जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको देखती हैं मैडम, तो उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा हॉस्पिटल में। और भी इस समय देखा जाए कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, क्या सुझाव देना चाहेंगे और लोगों के लिए? सुविधाएं बोलना चाहेंगे बच्चों के लिए कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, धूप से बचाएँ और उनको रेगुलर पानी पिलाएँ, ORS के घोल आते हैं वो पिलाएँ। बच्चों को अगर डायरिया हो या वॉमिटिंग हो, इस समय जो बहुत कॉमन है, अगर उनको डायरिया वॉमिटिंग हो ये तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं। मैं डॉक्टर नेहा जायसवाल, MD पीडियाट्रिक्स, न्यूनेटोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पे प्रसाद हॉस्पिटल में बनारस में पाटेपुर में हूँ। यहाँ पे आज हम लोग ने अपनी OPD शुरू करी है। यहाँ पे NICU, PICU सब तरह की यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ देखा जाए तो बहुत से हॉस्पिटल हैं, क्या खास है इस हॉस्पिटल पर जो मरीज यहाँ की तरफ आएंगे? यहाँ पे इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे न्यूनेटोलॉजी का स्पेशलिस्ट है, इसलिए बिकॉज हर जगह पे न्यूनेटोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे सिर्फ बड़े बच्चों को देख पाते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ, इस वजह से यहाँ पे खास तरीके का ध्यान दे सकते हैं NICU बड़े बच्चों को। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी इस समय अपार पड़ रही है, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह बच्चे जो है इस समय गर्मी से बचे हैं, या क्या बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? गर्मी के लिए यही है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखें, बाहर ना निकालें, इधर उधर ना घुमाएं उनको, और पानी का इंटेक अच्छा रखें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, यही सारी चीज़ें हैं। बच्चों को बाहर का खाना जितना कम करेंगे उतनी बीमारियों से बचेंगे। और सबसे मेन है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश कितने टाइम करना चाहिए? हैंड वॉश वो जितने बार भी कर सकते हैं, उसका कुछ वो नहीं है कि कोई गिनती नहीं होती है। आपको जब लगे आप तब हैंड वॉश करो, स्पेशली बच्चों को खाना खिलाते समय से उससे पहले ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर कैलाश प्रसाद, आज क्या हॉस्पिटल में किस तरह का उद्घाटन किया गया? मैं डॉक्टर कैलाश प्रसाद, पांडेपुर स्थित प्रसाद हॉस्पिटल डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ पर बाल विभाग का ओपनिंग हो रहा है। इसके पूर्व यह अस्पताल जो है 1976 से कार्यरत है। हमारे हॉस्पिटल में ICU, NICU एवं सभी चीज़ों के स्पेशलिस्ट यहाँ बैठते हैं और इंडोर आउटडोर उपलब्ध है, एवं आयुष्मान कार्ड पर यहाँ पर गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। कितने वर्षों से आप सभी हॉस्पिटल चल रहा है? 44 साल। किस तरह के इलाज यहाँ किए जाएंगे बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल आपको? सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, ICU, NICU,
कहाँ कहाँ से डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं? सब घर के डॉक्टर से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल की ओपनिंग को लेकर? जी हॉस्पिटल की ओपनिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारी शुभकामना हर तरफ से चाहते हैं कि जो बच्चे जो काम कर रहे हैं वो अच्छा से करें।